डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। जनपद महाराजगंज के तहसील निचलौल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भारी तादाद में सड़क पर उतर कर यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। सपा नेता जितेंद्र यादव व आशुतोष शुक्ला के अगुवाई में हजारों की तादाद में सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के आगे चल रहे सपा नेता जितेंद्र यादव व आशुतोष शुक्ला नारे लगाते नजर आए और सरकार की नीतियों का विरोध किया। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, दिनदहाड़े सड़क पर हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, इसलिए अपना विरोध दर्ज करने और जनता को जगाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी सड़क पर उतर चुकी है और सरकार को बदलने का संकल्प ले चुकी है। जितेंद्र यादव व आशुतोष शुक्ला के साथ अमरीश यादव, सतीश यादव, महात्मा यादव, तसव्वर हुसैन, गोविंद यादव, भौरिक यादव, महातम, मनमोहन पटेल, प्रतीक जोशी, कोमल, रेहान, वजीर आलम आदि सपा कार्यकर्ता भारी तादाद में शामिल रहे। वहीं महाराजगंज पुलिस अधीक्षक ने काफी फोर्स की तैनाती कराई थी। इस दौरान उप जिलाधिकारी राम सजीवन मौर्य, पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह, निचलौल थाना प्रभारी निर्भय सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए निचलौल से तबारक अली की रिपोर्ट। जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है तहसील निचलौल में, इस संदर्भ में, इस संज्ञान में क्या जाना है आप लोग? हाँ, जनता त्राहि त्राहि कर रही है, नौजवान बेरोजगारी से दर दर का ठोकर खा रहा है। जो हम किसान बहुल क्षेत्र के रहने वाले, हमारे किसान गन्ना गिरा दीजिए, हमें इस महामारी में एक रुपया मिलने को नहीं है, दर दर का ठोकर किसान खा रहा है। हम समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस नाते महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आए दिन देखिए घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन ये सरकार का कोई अंकुश नहीं है, लगती ही नहीं है कि सरकार आज है, कोई ऐसी सूबे का मुखिया है, ये कभी नहीं लगता। इस नाते हम समाजवादी पार्टी, हम लड़ने के आदि हैं, इस नाते आज जो है ये सड़क पर अभी कोई लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम आगे भी समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। नेतृत्व हमारा जो है आज से आदेश दे दिया है कि कार्यकर्ता नेता जाइए और जनता के दुख दर्द में जा कर के सहारा होइए। आने वाला दिन फिर समाजवादी पार्टी की होगी, सरकार जो है अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, ये इस नाते हम लोग जो है जनता के बीच, जनता के दुख रूप में हमारे जितेंद्र यादव हैं, हमारे आशुतोष शुक्ला हैं, हमारे जो है गोविंद जी हैं, हमारे तमाम भोला जी हैं, हमारे दिनेश जी हैं, ये तमाम जो है नेता गांव गांव घूम करके इस महामारी में जा करके लोगों को मास्क बांटे हैं, जहां भी जरूरी सामान रही है, भूचा चिवड़ा जो भी इनसे हो पा रहा है वो किए हैं। ये हमारे नेतृत्व अखिलेश सिंह का जो है आदेश है और सारे कार्यकर्ता जो है चले हैं। इस अपनी रवैया को सरकार नहीं बदलेगी तो हम इस सड़क पर, अभी तो हम साधारण मिल करके जो है हम जो है ज्ञापन दिए हैं, कल इस सड़क को जाम करेंगे, पर तो हम जो है इस तहसील मुख्यालय को जाम करेंगे, हम थाना को घेरेंगे। हमारा ये समाजवादी पार्टी है, जब हमारी जनता नहीं रहेगी सुखी, हमारे नौजवान नहीं रहेगा रोजगार, तो हम सड़क पर रह करके, घर में रह करके क्या करेंगे। इस नाते समाजवादी पार्टी लड़ने की आदी है, हम सड़क पर उतरे हैं, हम इसी नाते आए हैं। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।